तो बालाघाट में पोस्टल बैलेट की घटना की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की थी। मुख्य निर्वाचन पद पर तैनात अधिकारी अनुपम राजेंद्र ने कहा कि राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच में ही पोस्टल बैलेट को विधानसभा ले जाया जा रहा था, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों को लगा कि पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती निर्धारित दिनांक पर ही की जाएगी। जिन अधिकारी को सस्पेंड किया गया है वो उसकी त्रुटि के कारण किया गया है। पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं हुई है, निर्धारित समय पर ही गिनती की जाएगी। ऐसा थोड़ी अपने इसको समय रहते कर लेते हैं, और इसी कारण यही जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है इसी के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई। अब कांग्रेस तो कांग्रेस कलेक्टर को निलंबित करने की मांग कर रही है। इसमें जो भी प्रतिवेदन है वस्तु स्थिति आयोग को भेज दिया गया है, आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा है। आयोग इस पर अगर और कोई निर्णय करता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको सूचना दी गई थी क्या? नहीं, मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये कार्रवाई जिला स्तर पे होती है। जिला स्तर पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं विधानसभा क्षेत्र के, ये कार्रवाई उसी स्तर पे होती है। तो इसकी सूचना हर जिले को राज्य स्तर पे देने की आवश्यकता।